दीनदयाल शोध संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पंचम नानाजी देशमुख स्मृति व्याख्यान सुनने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आज हम लोग का जो विषय है वह है स्वावलंबन का अधिष्ठान है ग्राम व्यवस्था, जो आज का विषय है। मैं उसके बारे में छोटा सा इतना सा अभी एक बार बताता हूँ, बाकी विस्तार से हम बात करेंगे कि विषय की जो फ्रेजिंग है, जो उसका शब्द दिए हैं वो हमारे आज के मुख्य वक्ता माननीय गुरुजी ने ही दिए हैं। सनातन धर्म की, सनातन भारत की जिन परंपराओं व ज्ञान संवर्धन और ग्रामीण स्वावलंबन के लिए राष्ट्रीय श्री नानाजी देशमुख ने अपना जीवन लगाया, उन परंपराओं को जिस रूप में हमारे आज के मुख्य वक्ता गुरुजी ने जीवंत रखा है, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। आंध्र प्रदेश में आदिलाबाद स्थित आपका कला आश्रम उन चतुष्पुरुषार्थों का खूबसूरत मूर्त रूप है। ऐसे ही जिन मूल्यों के लिए नाना जी ने गोंडा बी चित्रकूट में साकार करने का उन्हें प्रयास किया था, आप नाना जी की उस समृद्ध विरासत के आधुनिक ऋषि हैं। पुराणों में कहानी है, ऋषियों को पता चला कि प्रलय आने वाला है, तो उस प्रलय में क्या होगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ऋषि बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजों का बीज इकट्ठा करके एक नाव में चढ़ गए, और जब प्रलय आया सारी धरती डूब गई। उसके बाद जब धरती बाहर नाव बह गई, जब धरती बाहर निकली प्रलय शांत होने के बाद, वो ऋषि लोग उसी बीजों से एक सृष्टि किए। ठीक ऐसे ही हम लोगों को लगा कि अब एक प्रलय आ रहा है। प्रलय उस समय लगता था कि जिसमें यहाँ का तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, अपना भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय विद्या है, भारतीय व्यवस्था है, ये सब उसमें खत्म हो जाएगा, कुछ नया खड़ा होगा। तो जितना जल्दी हो सके हर सारी चीज़ का बीज इकट्ठा करके रख लिया जाए, तो वो हम लोग कोशिश किए हैं। क्योंकि उस समय सब कुछ बनता था गांव में, लोहे से लेके कागज और काजल तक लोग गांव में बनाना जानते थे, बना लेते थे। तो वो सारी विद्याएं क्या रही है इसका अध्ययन हम लोग चालू कर दिए कि फटाफट ये टेक्निकों को, ये जो विज्ञान रहा है और ये जो विद्याएं रही है इसका अध्ययन करके रख लिया जाए। क्योंकि वो सारी चीज़ें बदल रही थी, करंट आने के बाद बड़ी तेज़ी से टेक्नोलॉजी में फर्क आ गया। तो वो बिना करंट और बिना पेट्रोल के जो चीज़ें जैसे लोग तैयार कर लेते थे, वो क्या पद्धतियाँ थी उसका हम लोग अध्ययन बहुत ज़्यादा किया है। एक 20 किलोमीटर के भीतर, उससे ज़्यादा बाहर की कहीं की भी कोई चीज़ नहीं देखे, उसी के भीतर का हम लोग करते रहे पूरा का पूरा। वही देखता था मैं कि उस समय ये सारी चीज़ें कैसे कर लेते थे। तो हुआ ये कि जब हम लोग बाहर घूमने निकलते थे, देखने निकलते थे, तो कुछ देखने के लिए नहीं निकलते थे, कुछ भी देखने के लिए निकलते थे। अब कुछ भी में तो बहुत कुछ दिखाई देता है ना, तो सब कुछ हम लोग देखते ही थे, और उसका सारा जैसे भी लिखना है या नोट्स बनाना है, ये सारी चीज़ें करते चले जाते थे। उसने एक तरह से एक छोटी सी एक व्यवस्था को हम लोग समझे कि कैसे हमारे गांव चलते थे। हमारे गांव 1980 के पहले वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, वो सारी अपनी ही व्यवस्थाओं में चलते थे, जिसकी वजह से हम लोगों को देखने में आ गया। बहुत जगह हो तो बहुत जगह तो बहुत जल्दी से खत्म हो गया। हमारा इलाका तो आदिवासियों का इलाका माना जाता है, तो वहाँ पर सब कुछ जरा देर से ही आता है, तो वहाँ ये सब कुछ बचा हुआ था। तो वही सारी चीज़ों का अध्ययन किए, उसको ही समझे। अब ज़्यादातर मैं बात वही करता हूँ। तो जैसे है कि ग्राम व्यवस्था, हिंदुस्तान में तो हजारों सालों से लोग गांव में ही जिए हैं, ग्राम व्यवस्था को ही महत्व दिए थे। व्यवस्थाएं तो बहुत बार पहले भी बनती बिगड़ती रही है, इसलिए इंद्र का एक नाम है पुरंदर। पुरंदर वो होता है जो बड़े बड़े पुरों को नाश कर देने वाला होता है, बड़े बड़े शहरों को नाश कर देने वाला होता है। कभी एक व्यवस्था उसी भी रही, कभी एक व्यवस्था शहरों को बढ़ाने वाली भी रही,
मगर बीच में काफी लंबे समय तक लोग गांव की व्यवस्थाओं में जी लेते थे बहुत अच्छे से, तो ग्राम व्यवस्थाओं को तो लोग बना लिए थे, पर गांव ही क्यों, गांव क्यों चाहिए, क्यों उससे हटकर के दूसरी जीवन शैली नहीं, गांव किस लिए? तो हमारा सब कुछ तो प्रकृति पर आधारित रहा है, प्रकृति को देख करके लोग जी लेते थे बड़े अच्छे से, उसको देख करके व्यवस्थाएं भी बनाए, तो सारा समाज ये देखता था कि ये विशाल प्रकृति में एक चींटी अपना भोजन ढूंढने के लिए कितना दूर जाती है, ज्यादा ज्यादा 4-5 गज, एक पशु अपने आहार के लिए कितना दूर जाता है, ज्यादा ज्यादा 2-4 किलोमीटर, एक पंछी वो शाम में अपने घोंसले में लौट आता है, उससे ज्यादा की दूरी तय नहीं करता है। तो ये लोग भी देखिए कि मनुष्य कितनी दूर जा करके वापिस अपने घर लौट आएगा, उतनी ही दूरी हमारी दुनिया हमको बना लेना चाहिए। तो उस हिसाब से वो गाँव की कल्पना कर लिए कि परमात्मा हर जीव को आहार दिया है, आहार के लिए उसकी एक परिधि भी कायम किया है, ऐसे जब सारे जीवों की एक परिधि है तो हमारी भी अपनी एक परिधि बना लेना चाहिए। उस हिसाब से वो एक परिधि बना करके जीने लगे हैं। तो गांव को ही वो लोग अपनी दुनिया बनाते थे, दुनिया मानना भी चालू किए कि गांव ही हमारी दुनिया है, जीने के लिए तो गाँव हमारी दुनिया है, ज्ञान के लिए दुनिया हमारा गाँव हो सकता है। इसलिए वो सारा समाज ज्ञान के लिए तो पूरी यात्राएं जरूर करता था, तीर्थ यात्राएं करता था, जहां जहां तहां जाता था, मगर जीता अपने गांव में था, जीने के लिए वो गांव से बाहर नहीं निकलता था कभी भी, जीना उनका अपने गांव में था। कैसे एक छोटी सी परिधि में ये लोग जी लिए, वो व्यवस्थाएं क्या थी उसको कभी समझना है, तो कैसे वो जी रहे थे, तो पहले गाँव की परिभाषा वो क्या मानते थे। क्या होता है कि आज का सारा समय, आज की सारी युवा पीढ़ी विज्ञान आधारित बात करते हैं, इनका सबका आज का आधुनिक बात करने का जो आधार है वो विज्ञान है, मगर हिंदुस्तान का बात करने का आधार विज्ञान कभी नहीं रहा, यहाँ का बात करने का आधार व्याकरण रहा है। ये व्याकरण सम्मत है या नहीं की बात करते थे लोग, विज्ञान सम्मत नहीं, उनका मानना यह था कि विज्ञान तो अधूरा रहता है, आज एक चीज खोजे हैं कल तो फिर एक चीज और हो जाएगी, जो अधूरा है वो बात का आधार नहीं हो सकता, इसलिए व्याकरण सम्मत है या नहीं वो मानते थे। तो गांव की भी हमारे पास व्याकरण में परिभाषा क्या रही है, वैसे हिंदुस्तान में गांव के लिए तो बहुत सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं, पंजाब में पिंड कहते हैं, उत्तर हिंदुस्तान में देहात कहते हैं, हमारे तेलंगाना में ऊरू कहते हैं, बहुत सारे शब्द है, जब इनकी परिभाषाएं देखते हैं तो इनका मतलब क्या निकल के आता है। पिंड का मतलब क्या है, पिंड का मतलब होता है एक शरीर, देहात का मतलब क्या है, उसका भी मतलब एक शरीर है जो देह के भीतर है, ऊर का मतलब भी शरीर ही होता है। जितनी हम गांव की परिभाषाएं देखे उसमें कहीं ना कहीं गांव पर एक शरीर के रूप में देखा गया है, शरीर के रूप में माना गया है, जैसे हम अपने शरीर को सुरक्षित और व्यवस्थित रखते हैं, ऐसे हरेक के आहार की सुरक्षा और गौरव की व्यवस्था करने वाले मानस के लोग जहाँ जीते हैं वो ग्राम कहलाता है, वो ग्राम कहलाता है। ग्राम तो ग्रह धातु से निकला है और ग्रह तो गर्भ से, वो ऐसा गांव जो सारे सभी लोगों के को एक गर्भ पिंड की तरह सुरक्षित रखने वाला है, वो एक ऐसा घर, ऐसा एक गर्भ वो मान लेते थे। उसके तहत वो सारी व्यवस्थाएं भी बना ली। जब तक हमको किसी चीज की परिभाषा नहीं पता होगी उस हिसाब से कैसे जिएंगे। कई बार बच्चों से पूछ जाए ग्राम गांव किसको कहते हैं, शहर का उल्टा गांव बोलना कैसी है, बच्चे सही बोल जाते हैं शहर का उल्टा गांव, ऐसे ना ऐसे नहीं, तो गांव की अपनी परिभाषा है, उसके तहत वो लोग सब कुछ कैसे जीना है, कैसी वहाँ की व्यवस्थाएं करना है, ये कभी कर लिया गया था। हमारा सारा समाज तीन ही वृत्तियों पर व्यवस्थित था, कर्म वृत्ति, वैश्य वृत्ति और भिक्षा वृत्ति, ये तीन ही वृत्तियों पर गांव का सारा समाज व्यवस्थित रहा। कर्म वृत्ति किसको कहते हैं, जो जड़ पदार्थ से सृष्टि करता है वो सब कर्म वृत्ति वाले लोग हैं, लकड़ी जड़ है, लोहा जड़ है, मिट्टी जड़ है, चमड़ा जड़ है, सोना जड़ है, जड़ पदार्थों से सृष्टि करने वाला जो समाज है वो कर्म वृत्ति में रहा है, और जो चेतन से चेतन की वृद्धि करता है वो वैश्य वृत्ति में
जैसे किसान एक बीज जमीन में डाल करके हजारों बीज पैदा करता है और अपने हाथ से नहीं बांधता। एक ग्वाला 10 गाय से 100 गाय करता है, या एक भेड़ बकरी चराने वाला धनगर या गड़रिया 100 बकरी से 1000 बकरी कर देता है। इस तरह की वृद्धि करने वाला समाज वैश्य वृत्ति माना गया हमारे पास में। कर्म वृत्ति और वैश्य वृत्ति ये दो है, और तीसरी है भिक्षा वृत्ति। भिक्षा वृत्ति वाला बहुत बड़ा समाज रहा है। कर्म वृत्ति और वैश्य वृत्ति वाले लोग भूमि को समृद्ध करते थे, भिक्षा वृत्ति वाला समाज समृद्धि से निर्लिप्त रहने की बात करता था। ये अपरा की व्यवस्था और उपरा की बात करता था, इसलिए दो समाज उसको अपने से बहुत ऊंचा मानते थे, जबकि वो जीते इन पर ही आधारित थे। ये भिक्षा वृत्ति वाला एक समाज बहुत तगड़ा समाज रहा है, जिसकी करीब करीब 7000 के आसपास उपजातियां रही हैं, जो उसी पर व्यवस्थित जीती थी सारी बहुत तरह की कलाओं को लेकर के, विद्याओं को लेकर के। तो ये कर्म वृत्ति वाला पूरा समाज, तो गाँव में उस समय पर गाँव में किस किस चीज़ की जरूरत वो लोग महसूस करते थे। गांव में जैसा है कि चार चीज़ों का होना जरूरी था, विज्ञान, अध्यात्म, कला और सामाजिक अर्थशास्त्र। ये चार चीज़ें अगर एक गांव में होती है तो श्रेष्ठ गांव है। मगर विज्ञान, अध्यात्म और कला तीनों का उद्देश्य एक ही होना होता है, तीनों का उद्देश्य अलग अलग नहीं हो सकता। तीनों का उद्देश्य है समाज को सामाजिक बनाना। अगर सामाजिक समाज अगर सामाजिक होता है तो पूरे से वो वर्तमान में जीता है, नहीं तो भूत और भविष्य में पड़ जाता है पूरा से। कलाओं का उद्देश्य, अध्यात्म का या विज्ञान का, वर्तमान में जीना सिखाना है, ये सामाजिक होना है। मगर वो लोग समाज किसको मानते थे, समाज की उनकी अपनी जानकारी क्या थी, वो क्या मानते थे समाज? क्योंकि समाज की परिभाषा हमारे पास में एक ही है, प्राणी समूह। प्राणी समूह समाज होता है। सिर्फ प्राणी हम ही है क्या दुनिया में? नहीं, ये पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सारी चीजें प्राणी मानी जाती है, इनके बिना हम लोग नहीं जी सकते। तो ये प्राणी समूह है, उसमें हम भी एक प्राणी समूह, ये सारा प्राणी समूह एक समाज है। फिर सामाजिकता क्या है? सामाजिकता ये है कि जैसा ये सारा प्राणी समूह सहज ही अपना कर्तव्य निर्वाह करता है, वृक्ष को प्राणवायु देना है प्राणवायु देगा, चाहे उसकी पूजा करो या बात मारो, वो तो सहज अपना कर्तव्य निर्वाह करता है। घर में कुत्ता बंधा हुआ है, पराया आदमी आएगा कुत्ता भौंकेगा, उसको ये तो नहीं बोलना पड़ता है कि जब हम खाना खिला रहे हैं भौंक पराया आदमी आया है। सारा प्राणी समूह सहज ही अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहा है। मनुष्य जिस दिन इन सारी चीजों के प्रति अपना कर्तव्य निर्धारित करके जीना चालू करता है, उस दिन ये सामाजिक जीव कहलाता है। उसके लिए इसको ये सारी चीजों के लिए इसको अपना कर्तव्य निर्धारित करना पड़ता है, ये प्रकृति, ये पर्यावरण, ये सारी चीजों के लिए। तो ये उस दिन सामाजिक होगा, नहीं तो सामाजिक नहीं हो सकता। तो जब सामाजिक है तो ये सारी चीजों को इस्तेमाल करने की पद्धतियां वगैरह से लेकर के सब हमारे पास में बहुत एक सुंदर ढंग से वो तय कर दिए थे। दो तरह की धातु माने जाती है, सुर धातु और असुर धातु। सुर धातु होती है जो जमीन के ऊपर होती है, असुर धातु वो है जो जमीन के भीतर होती है। इसके पैमाने तय करके रखे थे कि किस धातु को कितना इस्तेमाल करना चाहिए। सुर धातु वो होती है कि जिसको अपनी जिंदगी में हम कई बार पैदा कर सकते हैं, जिसको हम अपनी जिंदगी में कई बार पैदा कर सकते हैं उसको तुम इस्तेमाल कर लो, जिसको तुम अपनी जिंदगी में ही पैदा नहीं कर सकते हो तो उसके इस्तेमाल की एक सीमा कायम करना। झाड़े लकड़ी है हम अपनी जिंदगी में चार बार पैदा कर सकते हैं, मगर लोहा तो हम अपनी जिंदगी में पैदा नहीं कर सकते, है ना। तो ये पैमाना लोग तय कर लिए थे कि किसको कितना कैसे इस्तेमाल करना है। तो गांव की रचनाएं, गांव की अर्थव्यवस्था, ये सब कुछ काफी अच्छा रहा है एक गांव में। अब विज्ञान जब है तो विज्ञान अध्यात्म ये सारी चीजें हैं, तो विज्ञान में तो बहुत तरह के बहुत विषयों के ज्ञाता होना चाहिए। एक गांव में बहुत विषयों के ज्ञाता होते थे, कोई मिट्टी के काम का ज्ञाता, कोई लोहे के काम का ज्ञाता, कोई चमड़े के काम का ज्ञाता, या कोई धातु के काम, हर तरह का ज्ञाता तो गांव में होना है। पर बात एक आती है कि एक गांव में कोई भी आदमी कोई भी काम क्यों करना है, कोई भी आदमी कोई काम क्यों करता है?
सबसे पहले वो देखता है कि इस काम में मैं और मेरा परिवार आसानी से जी सकता है या नहीं। और वो चीज अगर दिखाई दे कि इस काम में मैं और मेरा परिवार आसानी से जी सकता है तो कोई भी काम हो अच्छा करेगा उसको, उसको ये छोटा बड़ा नहीं होता है। दूसरा, उस काम को लेकर के वो समाज में गौरव भी चाहता है। अगर ये दो नहीं है तो कोई भी कोई काम कभी नहीं करेगा। और तीसरी एक चीज होती है उसको कि अपने आप में कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का भाव भी चाहता है कि मैं भी स्वतंत्र हूँ। ये तीन चीज है तो कोई भी आदमी बड़े प्रेम से काम करता है। मगर एक काम में किसी की बनाई हुई चीज दूसरा क्यों लेना है? कोई जबरदस्ती है क्या? कोई जबरदस्ती है क्या? क्यों लेना है? वो अगर जरूरत है तो लेगा, या वो सुंदर दिखाई दे तो लेगा। मार्केट में जरूरत और सुंदरता दोनों मातृशाली होती है। मगर एक गांव की व्यवस्था में जब इतने तरह के काम करने वाले लोग हैं तो जरूरत कितनी है? हर एक की जरूरत कितनी है? जरूरत तो बहुत कम है। कपड़ा अगर जरूरत के हिसाब से सारी चीजों को इस्तेमाल करने लगे आदमी तो जरूरत तो बहुत कम है। कपड़ा कितना चाहिए? एक कमर में बीचों बीच छेदा करके अगर गले में डाल के रख कमर में डोरी बांध ले तो आधी जिंदगी तो जी सकता है आसानी से। उससे ज्यादा कपड़े की जरूरत क्या है, है ना? और सोने की जरूरत क्या है? कुंकू की जरूरत क्या है? बिना जरूरत की चीजें हैं। मगर उस समय का समाज ये देखता था कि अगर इस एक बस्ती में ये सारा समाज एक पद्धति से अपने अपने काम करते हुए जीना है तो इनके सामान को तो बिना जरूरत के भी हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए हिंदुस्तान की उस समय की गाँव की जो अर्थव्यवस्था थी वो व्यय प्रधान अर्थव्यवस्था को खड़ी किए, आय प्रधान अर्थव्यवस्था को नहीं। हर एक के खर्च करने की पद्धति को तय किया गया कि बस्ती में इतनी तरह के कारीगर लोग हैं, इतनी तरह के काम करने वाले लोग हैं, उस टेक्नोलॉजी के बल पर ये उत्पादन तो जरूर कर लेंगे, पर ये सब सही ढंग से जीना है तो हर एक को अपनी जिंदगी में ऐसा और इतना तो खर्च करना ही होगा। और वो खर्च करने की एक समान पद्धति को कायम किया और वो व्यय प्रधान अर्थव्यवस्था जिसमें सारा समाज एक ही सबकी एक ही जीवन शैली के अनुसार एक पद्धति से जी लेता था, जीवन शैलियों में अंतर नहीं था। वहां पर जीवन शैली में अंतर नहीं था। जीवन शैली में अंतर नहीं रखने के लिए बहुत सारी पद्धतियां की गई थी। उसमें हमको सियावा कपड़ा भी निषेध था। सियावा कपड़ा हिंदुस्तान में सियावा कपड़ा निषेध था। पहले आज से दो पीढ़ी पहले तक तो महिलाएं भी सियावा कपड़ा नहीं पहनती थी, चोली बांधे जाती है पहने नहीं जाती। ये सारी चीजों को एक तरह से लोग कायम करके एक जीवन शैली का सुंदर एक निर्माण कर दिए थे। तो वहाँ की अर्थव्यवस्थाएं जो थी हिंदुस्तान में, यहाँ पर हमारे गांव की व्यवस्थाओं में व्यापार नहीं होता था। गांव में हर कारीगर काम देने के लिए करता था, बेचने के लिए नहीं। हर कारीगर काम देने के लिए करता, बेचने के लिए नहीं करता था। बेचने के लिए अगर करने लगेगा तो इसका सामाजिक जीवन खो जाता है। अरे सामाजिक जीवन जीना है तो काम देने के लिए करना है। फिर ये गांव में व्यापार नहीं था, गांव में तो देना था, क्योंकि लोग ये जानते थे कि एक व्यक्ति अगर संपन्न होता है तो गांव कंगाल हो जाता है। गांव अगर समृद्ध होता है तो गांव में जीने वाला कंगाल से कंगाल आदमी भी समृद्ध हो जाता है। तो वो गांव की समृद्धि को महत्व देते थे कि गांव समृद्ध, व्यक्ति संपन्न होता है समृद्ध नहीं हो सकता। एक व्यक्ति तो संपन्न होगा, वो कभी समृद्ध नहीं हो सकता है। मगर एक व्यक्ति संपन्न होने लगता है तो गांव तो कंगाल हो जाएगा। अगर गांव ही समृद्ध है तो गांव में जीने वाला बेकार से बेकार आदमी भी अपने आप में समृद्ध हो जाता है। तो संपन्नता और समृद्धि में थोड़ा सा एक फर्क है। तो वो लोग उसके हिसाब से अपने सारी डिजाइनिंग कर लिए थे, वेशभूषा से लेकर के आहार से लेके घरों से लेकर के सारे उसी हिसाब से कर लिए थे कि आदमी समृद्ध होना है, संपन्न नहीं। यहाँ संपन्नता और समृद्धि में थोड़ा सा फर्क है। मैं एक बार आश्रम से बाहर निकला, अपने कहीं जा रहा था, देखा कि रास्ते में एक आदमी साइकिल से गिर गया और पास में ही कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के थे, वो आकर के दौड़ के आके इसको उठाए और झटके। ये सब पैंट वैंट पहने हुए बच्चे थे, अच्छा ही झटके, देखे कि बहुत खून बह रहा है। गांव से दूर था, बाहर था, बस्ती से बाहर हमारा आश्रम है, तो दवा खाने ले जाना है, कैसे ले जाए? तो इतना खून बह रहा है, कुछ कपड़ा बांधना चाहिए, पर बांधता कोई नहीं है कपड़ा।
तो वहां से एक जानवर चलाने वाला लड़का जा रहा था अपने को दो चार गायें लेकर के, वो भी खड़े रह के देखने गए, अरे बापू इतना खून बह रहा है कुछ बांधो ना, तो ये बच्चे बोले क्या बांधे, तो वो बच्चा झट अपने कंधे पे उसका अंग वस्त्र था दुपट, उसको फाड़ा धोया पानी में और उसके पट्टी बांध दिया। मैं खड़े रह कर देख रहा था कि इसमें संपन्न कौन है समृद्ध कौन है, क्योंकि लड़के जो है पूरे इनके घर में 1000 रुपया महीने का खर्चे के लिए आता होगा, मगर इनकी वेशभूषा जो है हर एक के पास एक रुमाल था, वो अगर देख बांधता है तो एक अंगार हो जाएगा, इसके पास रहेगा नहीं, जिसको ये पता है कि देने के बाद मेरे पास नहीं रहेगा वो कभी नहीं देगा। और इसके पास तो ऐसा कपड़ा था कि वो आधा फाड़ के देने के बाद भी उसके पास था रहने वाला है, तो जिसको ये पता होता है कि देने के बाद भी मेरे पास में रहने वाला है वो तो शायद देगा, है ना, वो समृद्ध है, वो समृद्ध माना जाता है। इसलिए हमारे पास गांव में जब हमारे बचपन में जब आम बेचने वाला आता तो 3 रुपए 4 रुपए 100 की बात होती थी, तीन ये हाथ में, तीन ये हाथ में लेकर के 20 हाथ रखता था, ऊपर से 2 हाथ रखता था और उसके बाद 100 की बात करके वो 132 हाथ देता था। कोई जबरदस्ती तो नहीं थी, क्यों देता था, क्योंकि वो समृद्ध था, उसको पता है कि देने के बाद भी मेरे पास तो रहना ही है, इसको देते समय उसको दुख नहीं आता था। और दूसरी बात क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था ही पूरी वे प्रधान थी, खर्च करने के लिए बनी थी, वो मानस बनाने की अपनी बहुत प्रक्रिया यहाँ की गई थी। कैसे ये मानस होगा, छोड़ना बहुत बड़ी कठिन बात है ना, छोड़ते समय आदमी को दुख नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए तो हमारे पास में बहुत तरह तरह की प्रक्रियाएं थी, बहुत तरह की कार्यक्रम हुए थे। तो ये सारा कुछ एक रहा है, डिजाइनिंग ऐसी रही है हमारे पास में कि आदमी को समृद्ध होना है, संपन्न नहीं। अब घर का भी डिजाइन, अब बात ये आती है कि घर लक्ष्य है या उपलक्ष्य है, हमारी सभ्यता में घर तो उपलक्ष्य है, सभ्यता में लक्ष्य नहीं है, साधन उपलक्ष्य होते हैं, लक्ष्य नहीं होते हैं। अब साधन ही लक्ष्य बन जाए तो गड़बड़ हो जाए, साधन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन होते हैं, अब साधन ही लक्ष्य बन जाए तो फिर क्या होगा। तो हमारे पास तो घर उपलक्ष्य माना जाता था, तो घर की जो डिजाइनिंग थी उसे हमारी पूरी डिजाइनिंग का एक सूत्र रहा है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि वह भी पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, पूर्ण में अगर पूर्ण मिलता है तो भी पूर्ण है, पूर्ण से अगर पूर्ण निकल जाए तो भी पूर्ण है, हर परिस्थिति में परिपूर्ण रहना। जैसे प्रकृति होती है, प्रकृति हर समय परिपूर्ण है, एक वृक्ष पर फूल खिलता है तो सुंदर है, नहीं तो हम कोई कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा फूल खिलता तो सुंदर होता। एक पक्षी अगर वहां बैठ जाए तो सुंदर है, नहीं तो हम तो कोई कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा पंछी बैठता तो सुंदर होता है। और पंछी उड़ जाए वो जहां बैठा है सुंदर है, ये वृक्ष अपने आप में सुंदर है, दोनों मिलते हैं तो भी सुंदर है, अलग होते हैं तो भी किसी की सुंदरता में कोई कमी नहीं आती है, वो अपने आप में सुंदर है ही है। इसको दृष्टि में रख करके हमारा सब कुछ बन गया, हमारी वेशभूषा, हमारा आहार, हमारा घर, कि ये कभी भी संभव नहीं है कि सभी कुछ सभी के पास में हो जाएगा, असंभव है। एक ऐसी जीवन शैली कि किसी के पास कुछ हो तो ज्यादा ना लगे, किसी के पास कुछ ना हो तो उसकी कमी महसूस ना करे, है तो ज्यादा नहीं लगना चाहिए, नहीं है तो उसकी कमी को महसूस नहीं करना है। एक ऐसी भी व्यवस्था है जो हमारे गाँव की व्यवस्था थी, है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, चलता है, उसके बिना उसके तहत वेशभूषा बनी, उसी के अनुसार घर बना था। घर के तो हमारे पास 5 लक्षण माने जाते हैं गाँव में, ये घर का पहला लक्षण है आरोग्य के लिए श्रेष्ठ रहे, दूसरा लक्षण है घर आर्थिक रूप से सहयोग दे, तीसरा लक्षण है घर आध्यात्म दिशा में बढ़ाए, चौथा लक्षण है घर प्रकृति से प्रेम सिखाए, और 5वां लक्षण है घर सामाजिक हो। ये 5 लक्षण जिसमें नहीं होते हैं घर घर नहीं होता है। आयुर्वेद के अनुसार पैर गर्म पेट नरम सर ठंडा है तो आदमी आरोग्यशाली, तो हमारे घरों का उस तरह के टेम्परेचर को लोग रखे थे बना करके। जब से ये आधुनिक मकान बनने लगे हैं ये सिद्धांत एकदम उल्टा हो गया, सर गर्म होते पैर ठंडे होते हैं, एकदम उल्टा हो गया। दूसरे हमारे घर आर्थिक रूप से कभी परेशान नहीं करते, गाँव में विशाल विशाल मकान होते थे, खाना तो वो लोग भी खाए, सोए तो वो लोग भी, अतिथि सत्कार वो लोग भी किए, मगर घर में कोई चीज जगह रोकने वाली नहीं,
कोई चीज जगह रोकने वाली नहीं होती थी। पीटर पाट लगते थे, भोजन होता उठा के कोने में डाल देते हैं, खटियाएं बिजती लोग सोते उठा के कोठे में डाल देते हैं, चटाई शतरनिया बिजती स्वागत सत्कार होता लपेट के बगल में रख डालते। विशाल विशाल मकानों में जगह रुकने वाली कोई चीज़ नहीं थी। आज जनसंख्या बढ़ गई, घर छोटे बनने लग गए, तो फिर घरों में जगह रुकने वाली चीज़ें क्यों आने लग गई? हर घर में जगह, आज के घर की वास्तु शांति करके उसमें घुसने के बाद आदमी घर को म्यूजियम बनाने के लिए प्रयास करता है। जिस घर में आदमी आर्थिक रूप से इतना परेशान रहेगा, वो साहित्य संगीत कला परमात्मा सर्मात्मा के बारे में कब सोचेगा? ये सारी चीजों के बारे में सोचने वाला आध्यात्मिक है ना। जो आध्यात्मिक ही नहीं है उसको इस प्रकृति से कोई प्रेम नहीं होता है। जिसको इस प्रकृति से ही प्रेम नहीं है वो सामाजिक नहीं हो सकता। तो एक आदमी को सामाजिक बनाना या प्रकृति का प्रेमी बनाना ये घर का लक्षण है। एक ऐसा घर होने से आदमी सहज ऐसा हो जाएगा। हमारे जैसे घर है, विशाल भवन से लेकर छोटी झोपड़ी तक कोई भी घर सीधी लाइन में नहीं बनता था। हमारे पास कला में सीधी लाइन को अच्छा नहीं माना गया है, सीधी लाइन में नहीं बनता था। जो भी विशाल भवन से लेकर छोटी झोपड़ी तक पीछे जैसे पहाड़ जैसे झाड़ है उससे मिलती जुलती लाइनिंग होती थी। जब से सीधे झाड़ वाले सीधी लाइन वाले घर बनने लग गए, इसके पीछे का झाड़ भी कटा हुआ नजर आता है हमको, पहाड़ भी कटा हुआ नजर आता है। जो चीज आधी नजर आती है उसके साथ हम सामने नहीं कर सकते, उसके दुश्मन बन जाते हैं, ये गड़बड़ हो जाती है। एक सीधी लाइन आते ही इतने बड़े मानस में हमारी गड़बड़ हो गई। इसलिए हमारे पास में सीधी लाइन को कभी भी महत्व नहीं दिया। अभी पानी पीने का गिलास है, गिलास के लिए हिंदुस्तानी किसी भाषा में कोई शब्द है क्या? कोई भी भाषा में कोई शब्द नहीं है गिलास के लिए। हिंदुस्तानी किसी भाषा में कोई शब्द नहीं, कोई गलास बोल देगा, कोई गलास बोलेगा या कुछ कुछ बोल डालेगा, मगर बोलेगा गिलास ही, क्योंकि ये डिजाइन हमारा नहीं है। NID में जैसे बच्चों को पढ़ाते समय बोला जाता है कि एक समस्या का समाधान ही डिजाइन होता है, ऐसा मानते हैं। अगर समस्या का ही समाधान अगर डिजाइन है तो एक कारीगर को पानी पीने की कमी को पूरा करना है तो गिलास तो बहुत आसान डिजाइन है, मगर हमारे कारीगर इतना आसान डिजाइन क्यों नहीं बनाए? वो क्यों गड़वा बनाए? हमारे गड़वा होता था, लोटा होता था, वो गड़वा क्यों बनाए? गिलास क्यों नहीं बनाए? वो बकेट क्यों नहीं बनाए? वो गंगाल बनाए, है ना? तो इसका मतलब है हमारे कारीगर लोग डिजाइन को समस्या का समाधान नहीं मानते थे। इनकी दृष्टि में डिजाइन कुछ और ही चीज था। डिजाइन जो हमारे पास में है वो ये है कि जैसे हमारे लोग मानते हैं कि जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहता है, मगर जीवात्मा और परमात्मा के बीच में माया नाम की एक चीज है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देती है। तो ये माया क्या है? ये जो डिजाइन है ये माया है, ये तुमको किसी भी जीवन शैली में ले जा सकती है। ये जीवन शैली को परिवर्तित कर देना डिजाइन का काम होता है। अरे इस तरह का घर बनाओगे तो ऐसे जियोगे, अरे ढंग का घर बनाते हैं तो ऐसे जियोगे, ऐसी वेशभूषा पहनते तो जीने का ढंग अलग होता है, कोई और वेशभूषा पहनते तो जीने का ढंग अलग हो जाता है। उस डिजाइन का सीधे से जीवन शैली पर प्रभाव होता है। तो ये सारे लोग हमारे बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत सोचे, मटेरियल के बारे में बहुत सोचे थे उस समय कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करने से क्या लक्षण पैदा हो जाते हैं। आदमी के अंदर लक्षण क्या है? एक स्कूल के लोग मेरे पास में आए, आकर के मेरे को बहुत अच्छे से बातचीत होते थे, मेरे बार बार पूछ रहे हैं कि गुरुजी बच्चों में क्रम शिक्षण लाना है, क्रम शिक्षण के लिए क्या करें क्या करें? मैं सहज जी बोल दिया कि ऐसे करो, तुम्हारे हॉस्टल और स्कूल में जितने प्लास्टिक के बर्तन हैं निकाल डालो। मुझे ये क्या मतलब है, प्लास्टिक के बर्तनों का क्रम शिक्षण से क्या संबंध है? मैंने उनको बताया कि देखो भाई, मिट्टी का घड़ा है और एक प्लास्टिक का घड़ा है, दोनों का काम है अपने भीतर पानी को भर के रखना, उससे ज़्यादा तो किसी काम के नहीं है। मगर मिट्टी का घड़ा है, उसको धोने की एक पद्धति है, उसको भरना भी एक ढंग से होगा, उसको उठाने का भी एक ढंग है, और चलना भी एक पद्धति से, और रखने का भी ढंग है, उससे पानी भी एक ढंग से लेना होगा। वही प्लास्टिक का घड़ा है, कैसे भी धो सकते हैं, कैसे भी भर सकते हैं, कैसे भी लेके चल सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं, कैसे भी पानी ले सकते हैं, तो गड़बड़ क्या है? एक मिट्टी का घड़ा आदमी को अपने आप में सतर्क और क्रम शिक्षित बनाता है, और ये प्लास्टिक का घड़ा आदमी के अंदर बच्चे के अंदर लापरवाही के लक्षण को पैदा करता है, इसको छूने का नहीं है।
अभी देर लो कि लापरवाही का लक्षण पैदा करना है, कम शिक्षित बनाना है, ये जो मामूली चीजें मेटीरियल भी ये प्रभाव डालते रहता है। तो इस पर हमारे लोग बहुत गहराई से उस समय सोचे थे कि कैसा हो क्या हो। मगर गाँव में ये कारीगर समाज जो इतनी गहराई से सारी चीजें सोचता था और करता था, तो इनका अपना सब कुछ कैसे चलता था। उस समय हिंदुस्तान में क्या था कि गांव में 8 तरह की चीजें धन मानी जाती थी। धन भी एक धन था, धान्य भी एक धन था, पशु भी एक धन था, पशु में गोधन गजधन अष्टधन आदिधन ये भी धन था। उसके बाद विद्या भी एक धन मानी जाती थी और कच्चा माल भी एक धन माना जाता था। जिसके पास जो धन है उस हिसाब से धनवान होता था, है ना। अगर आपके पास में 1000 गाय रह सकती है, 1000 रुपये नहीं तो कंगाल है। तो उस समय तो जिसके पास जो भी धन है उस हिसाब से धनवान होता था। इसलिए हर कोई अपने आप में धनवान ही था, क्योंकि 8 चीजें गांव में लेने देने की चलती थी। उत्पादन पूरा गांव में था, रॉ मेटेरियल गांव में था, एक कारीगर का वेस्ट मेटेरियल दूसरे कारीगर का रॉ मेटेरियल हो जाता था। ये था वहाँ पर, एक कारीगर का अगर कोई वेस्ट मटेरियल है, जैसे जुराह है कपड़ा बनाने वाला है, उसका जो वेस्ट मटेरियल है जितना भी, वो कागज बनाने वाले लोग उससे कागज बनाते थे, वो उनका रॉ मटेरियल था। रॉ मटेरियल लाने के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ता था। ये कागज बनाने वालों का वेस्ट मटेरियल किसी और का रॉ मटेरियल हो जाता था। ऐसे एक था पूरी एक पद्धति। तो ये जो था कि वहाँ पर गाँव में सारे कारीगर एक बार जितना भी काम करते थे, एक कारीगर 3 तरह से काम करता था। एक तो व्यवसाय के लिए जरूरतों का सामान, दूसरा गांव के लिए, तीसरा घर के लिए। जरूरत के लिए जो सामान तैयार करता था उसकी कीमत तय थी। गांव के लिए जो काम करता था, गांव में 3-4 प्रोग्राम होते थे, कभी रथोत्सव हो रहा है, कभी ग्राम देवता की पूजा हो रही है, तो उसके लिए तो गाँव की ओर से उसका मान होता था। तीसरा एक घर के लिए, घर के लिए जो देता था कितना देता था, घर के लिए क्या देता था। हमारे पास उस समय क्या था कि 49 संस्कार बना करके हर संस्कार में हर कारीगर की कम से कम एक, ज्यादा ज्यादा 5 चीज रखने की पद्धति कायम कर ली गई थी। ये बिना जरूरत का मार्केट था। बच्चा पैदा होने से लेके मरे जब तक, बच्चा जब पैदा होता हमारे इलाके में 20-30 साल पहले भी, तो कुम्हारनी एक मिट्टी का गड़वा लाती थी, उसको माया मुमता बोलते, कुम्हार भी मिट्टी का गड़वा लाती थी, बांस का काम करने वाली सूप लाती थी, केली की औरत एक तेल लाती थी, नाभी की नाल काटने के लिए चरमकार और उतारती थी। हर जाति की एक प्रतिनिधि औरत वहाँ इकट्ठा होती थी और मिलकर एक बच्चे को पैदा करते थे। उसके बाद वो नाभी की जो नाल है उसको एक सफ़ेद कपड़े में हल्दी भर करके, नाल को बहुत अच्छे से सुबंध करके, ये कलश में डाल करके, उसको पूरे कच्चे सूत से लपेट करके ईशान्य दिशा में गाड़ते। हाँ, संचार करने वाली जितनी जातियाँ हैं, भेड़ बकरी चराने वाली या ग्वाला लोग हैं, तो उनके बच्चों की नाल एक टुकड़ा काट करके ताबीज में भर के उसके कमर में बांध देते थे बच्चे के, क्योंकि कभी असाध्य कोई बीमारी हो जाए तो उस नाल को निकाल करके लोग दूध में उसको पका करके एक दवाई तैयार करके उसको देते थे। उसके लिए वो नाल को हर घर में सुरक्षित रखते थे। नाभी की नाल को बहुत एक पद्धति से हल्दी से भर करके हर एक के घर में रहती थी। मगर इसके लिए जो कारीगर की औरतें जो लेकर के आई है उसके लिए क्या देना है, तो उसके लिए लोग उसका मान करना है। मिट्टी का एक कलश है, अगर बाजार में लेने जाएंगे तो 4-5 रुपए से ज़्यादा का नहीं हुआ। मगर ये लोग क्या देते थे, एक सूप में दाल चावल आटा नमक मिर्च ये सब रख करके, एक कपड़ा रख करके, 4 आने 8 आने दक्षिणा रख करके उसको दे करके प्रणाम करते थे। जो चीज़ किसी काम की नहीं है उसके लिए इतना दे देते थे। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग ना। उसके बाद से लेके सब चलता था। उसके विवाह कई बार कारीगर अपनी चीज़ें लेके इनके घर आता था, कई बार ये लोग कारीगर के घर जा कर के उसकी चीज़ों को लाते थे। बच्चा पैदा होने पर ये लोग आए, इसके विवाह पे कारीगर के घरों पे जाना होता था। अगर कोई मर जाता तो सहजी बांस का काम करने वाला बांस लाता, कुम्हार मटका लाता, जुलाहा कपड़ा लाता, चरमकार वाद्य और रस्सी लाता, नाई मुंडन कराने आता, सुनार पंचरत्न लेके आता, गुका गुलाल बनाने वाला गुलाल लाता, दर्जी कपड़े के सिए हुए फूल लाता। ये हर जाति का एक प्रतिनिधि वहाँ इकट्ठा होता और अपना सहयोग देके उसका अंतिम संस्कार करता था। उसके तीसरे दिन से जो कार्यक्रम चलते थे फिर वो इनके लिए काम था। आखिर दिन शैयादान फैयादान जैसा होता था,
सारे कारीगरों की चीज़ें उस पर रख करके दान कर दी जाती थी, उनकी कीमत उसको दे देते थे। हाँ, उसके बाद फिर एक साल तक उस घर में कोई कार्यक्रम नहीं करते थे, शादी के बाद, वास्तु शांति के बाद और किसी के मर जाने के बाद, क्योंकि एक साल भर में कारीगर को जितना जाता है उतना एक ही कार्यक्रम में चले जाता है, इसलिए परिवार के लिए दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं करते थे। करते तो ये घर की अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे हो जाती है। तो इस तरह से उस समय का समाज बड़ा एक सुंदर एक मार्केट की व्यवस्था बना करके जी लिया, इसलिए उनको जीने के लिए बाहर निकलने की समस्या नहीं थी। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एक व्यक्ति अपने गांव और अपने घर में रहने को नहीं दे रहा है, इनको जीने के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ता है, और जहाँ जाकर के अपना घर बनाएगा उसकी संतान उसमें नहीं जिएगी, ये तो है ही। तो ये तो सारा का सारा सामाजिक तरह का संचार जाति वाला समाज है, और ऐसे समाज की अपनी जरूरतें अलग होती है, और ये जो गांव का समाज है, जो स्थिर समाज है, इसकी जरूरतें अलग होती है ना। हाँ, लोग जानते थे कि जब जीवन शैली धीमी गति की होती है तो बहुत कुछ अलग होता है। भारतीय जीवन शैली बहुत धीमी गति की रही है, जैसे नदी धीमी धीमी बहती है तो बहुत कुछ पनपता है, वायु मंद मंद बहती है तो बहुत कुछ पनपता है, अगर ये दोनों भी तीव्र गति में आ जाए तो बहुत नाश हो जाता है। ऐसे जीवन शैली अगर धीमी गति की है, सोच की गति बहुत तीव्र होती है, उसमें बहुत कुछ पनपता है, बहुत कम है, बहुत सारी चीज़ें। जीवन शैली अगर तीव्र गति की हो जाए तो शायद बहुत चीज़ें खत्म भी हो जाती है, ये होते रहते हैं। तो हमारे लोगों की सोच, हमारी समझ प्रकृति पर आधारित थी, पर प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए या सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हमारे पास बनी हुई थी। अभी चैत्र मास चल रहा है, हमारे इलाके में चैत्र मास से लेकर के आषाढ़ मास तक किसी भी वृक्ष का पत्ता, यहाँ पत्तल में खाना निषेध हो जाता है अब चैत्र मास में, नीम की दतून निषेध हो जाती है, बबूल की दतून निषेध होती है हमारे पास में, ये सारी चीज़ों की दतूने निषेध हो जाती है, पत्तल में खाना निषेध होता है। इसलिए जिनों में शादी ब्याह कोई करता नहीं, अब तो चालू हो गए हैं छुट्टियों की वजह से, मैं तो पहले ये जिनों में कोई शादी कर लिया तो उसके मंडप के नीचे कोई नहीं जाता था, क्योंकि झाड़ियों को काट करके ऊपर डालते हैं ना, वो निषेध रहा है। जो नए वृक्षों में नए नई पोंपल, नए नए फूल, नए नए पत्ते आते रहते, उसको तोड़ के पत्तल कैसे बनाएंगे? नीम उस समय फूल पर रहता है, उसको तोड़ करके उसकी दतून कैसे करेंगे? इसलिए हमारे पास में जब एक एक पत्ते के बारे में भी सोचा गया था कि कब तोड़ना है कब नहीं तोड़ना है इसको ना, आषाढ़ मास तक बिल्व पत्र चढ़ाना निषेध है ना, आषाढ़ के बाद ही बिल्व का पत्ता तोड़ा जाता है। ये सारे पत्तों को तोड़ने के अपनी क्या होता था पहले कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जैसे अब हमारे पास में भी उगादी हुई है, नया साल उगादी तक वहाँ पर आम नहीं खाया जाता है, किसी चीज़ में जब तक बीज पैदा नहीं होता है उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, और फिर संक्रांत के बाद मूली खाना है, सेम की फली खाना है, ऐसे हमारे इलाके में ये सारी चीज़ें निषेध हो जाती हैं, क्योंकि उसको फिर बीज के लिए छोड़ देना होता था। जब तक किसी चीज़ में बीज नहीं होता है उसको नहीं खा सकते थे, फिर जिसको बीज के लिए रखना है फिर उसको खाना छूट डालते थे लोग, बीज किसी भी परिस्थिति में ख़त्म नहीं होने देते थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत रही है, और गांव की व्यवस्थाएं रही है। एक समय कभी कभी लगता है कि अतीत को भी एक बार समझ लेना चाहिए, शायद बहुत सारे रास्ते निकल करके आ जाए। तो इसलिए मैं कभी कभी अतीत की कथा सुनाते रहता हूँ बैठ करके कि ऐसा भी जी लेता था समाज, ऐसे भी सब कुछ व्यवस्था कर लेता था, तो पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, जमीन की व्यवस्थाएँ, ये सब रही रहते बहुत शायद। हमारे गांव में 16 तालाब और 60 कुएं थे जब आबादी 10,000 थी, 16 तालाब थे और 60 कुएं थी, इतने बड़े बड़े कुएं जिसमें बच्चे तैरना सीखते थे, इतने बहुत बगीचे। अब एक तालाब रह गया है पूरा का पूरा। तो कई बार मैं पूछता था कि लोग तालाब कैसे बनाते थे, कैसे कर लेते थे तालाब। तो उस समय क्या जब बुजुर्ग लोगों से जानकारी लिए वो बताते थे कि पहले जो व्यवस्था थी, गांव में अनाज बट जाने के बाद गांव में जीने वाले सारे लोगों को एक हिस्सा गांव के लिए देना होता था, वो गांव के महाजन के पास रहता था। वो हिस्सा जिसका कोई नहीं है ऐसा विकलांग, जिसका कोई नहीं है ऐसी विधवा, और ऐसे विद्वान जो गांव में बैठे हैं विद्वान और वैद्यों के लिए वो खर्च करना होता था।
वैद्यों के लिए, विद्वानों के लिए, विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए वो खर्च होता था। कोई विद्वान है शास्त्र की रचना कर रहा है तो गांव उसकी व्यवस्था करता है, कोई वैद्य है तो उसकी व्यवस्था तो गांव ही करना है, तो ये उनकी व्यवस्था करता था। अब ये अनाज ये लोग देखते थे 12 साल में एक बार कितना अनाज बच गया है, इस तरह का जब वो देखते थे कि 12 साल में सब सभा बैठती थी कि इतना अनाज हमारे पास में है क्या करना है, तालाब बनाएंगे या गड़ी बनाएंगे या गांव के लिए कुछ करना है, कुछ नहीं करना है तो वो अनाज कुंभ के मेले में चला जाता था, उस दिशा का जो भी कुंभ का मेला होता उसमें चला जाता था, नहीं तो अगर तालाब बनाना है तो तालाब बनाने की बड़ी सुंदर पद्धति थी उस समय पे कि कितने हजार लोग कितने महीने खा करके काम कर सकते हैं, तो आस पास के गाँव को बुलावा जाता था, सब लोग मिलकर के तालाब बनाते थे, 2-4 महीने में तालाब तैयारी होती, जब तालाब पूरा बन जाता पानी आने लगता तालाब में तो 1 महीने का एक मेला उस पर लगता था, जैसे जैसे पानी आता तालाब में पैरों में लोग घुंघरू बांध के बांस हाथ में लेके उसकी प्रदक्षिणा करते थे तालाब की, और जब तालाब पूरा भर जाता उसको मिट्टी को कुचलना था प्रदक्षिणा करते हुए, भर जाने के बाद किसी का जलचर देवता है, किसी का केकड़ा है, किसी का मछला है, मछली है, किसी का मगर, जलचर जिनके घर के देवता है उसकी पूजा करके उसमें छोड़ देते थे, और तालाब किसी एक के जिम्मे कर दिया जाता था, पर तालाब से संबंधित नियम वहाँ कायम किए जाते थे कि जिस तरफ से तालाब में से पानी आता है वहाँ निर्मली के वृक्ष लगाते थे, उसका बीज पानी को शुद्ध करता है, और ये तय होता था कि वहाँ पर से तालाब से 500 गज दूर ही मूत्र या विष्ठा विसर्जन करना है, 500 गज भीतर कोई नहीं कर सकता था, और तालाब में स्नान करना है तो पहले स्नान करने वाला आदमी 5 पिंड मिट्टी निकाल के बाहर रखे और उसके बाद वो स्नान करे, तो इस तरह की पद्धतियाँ बहुत बढ़ा दी थी वो। और खेतों में धान की खेतों में पानी छोड़ना है तो जिनके खेतों में पानी जा रहा है तो वो लोग अपने पशु वहाँ पानी जाने के रास्ते के पास में छोड़ते थे, घुमाते थे, खूब मटमैला पानी होने के बाद वो पानी छोड़ा जाता था, इस तरह से निरंतर उतारा थी। तो उस समय जैसे था कि अगर कोई गांव तालाब बनाया है तो उस इलाके का जो राजा है उस गांव से 4 साल टैक्स वसूल नहीं करता था, वो राजा की छूट रही थी, अगर कोई सफाई किया है तो 3 साल, अगर कोई बांध बनाया है तो राजा 2 साल उस गांव से टैक्स नहीं वसूलता था, ये छूट रही है उस समय पर। ऐसी बहुत सारी पद्धतियाँ रही है जो गाँव के लोग सहज ही अपना सब कुछ करते रहे, बस कर बहुत लंबा है ना, ये सारी चीजें वहां पर होते रहती सहज ही, क्योंकि हमारे पास में मजबूरी का फायदा उठाना पाप माना जाता है, आज मजबूरी का फायदा उठाना ही व्यापार माना जाता है ना, तो हमारे पास में मजबूरी का फायदा उठाना एकदम निषेध था, कोई किसी की मजबूरी, जहां जहां समाज मजबूर हो रहा है वहां पर गांव उसकी सुविधा करता था, सुविधा करता। उस समय के लोग यात्रा करते थे, पैदल यात्रा करते थे, तो कितने समय का खाना लेकर के चलते थे, भोजन कितने समय का लेकर चलते थे, ये एक समय की रोटी लेके भी नहीं निकलते थे घर से, क्योंकि 20 किलोमीटर को चलते थे, 20 किलोमीटर उनके रिश्तेदार रहते थे, उनके घर जाते थे, फिर आगे जो व्यवस्थाएं थी हमारे इलाके में जो गाँव है दिन से लेकर के वहाँ गाँव के पीछे वृक्ष है झाड़, कोई भी यात्री आते 2-3 बजे के आसपास वहाँ बैठ जाते और वहाँ का कोतवाल जो भी होता गांव का वो रोज पूछता लिखता खाता कहाँ से आ रहे हो कहाँ जा रहे हो कौन सी जाति के हो, ये लिखने के बाद इन लोगों को जो भी जिस भी जाति का है वो जाति वालों के घर इसको पहुँचा देता था, और इनका जाति वालों का अपना नंबर होता था कि सोमवार को आए तो किसके घर खाएगा, मंगलवार को आए तो किसके घर खाएगा, उसके घर पहुंचा देता था। एक ही जाति वाले लोग होते, बहुत बातचीत होती, कुल गोत्र की जानकारियाँ होती, और उसके बाद भोजन होता, सुबह सुबह कुछ बांध देते, फिर झाड़ के पास आते, इकट्ठा होते और आगे निकल जाते। इस तरह की बहुत सारी, नदी पार करना बहुत बड़ी समस्या होती है ना, बहुत उस समय तो अभी कुछ भी वसूल लें चाहे तो, मगर बहुत सुंदर व्यवसाय बना के रखे थे हमारे इलाके, पैनगंगा नदी है उसमें पानी आया जाता था, तो वहाँ जो मछुआरे थे जो नाव चलाने वाले थे ना, इस ओर के गांव और उस ओर के गांव उनकी धानी कायम करते रखे थे,
साल का इतना अनाज देंगे और 12 तुम्हारे मान रहेंगे, ये कायम कर दिया। और जंगल की पूरी जल की पूरी फसलों पर उनका अधिकार था। जल की बहुत फसलें होती है, सिंगाड़ा है, कमलाक्ष है, हमारे तेलुगु में बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, और कई तरह के चावल होते हैं जो उपवास में खाए जाते हैं, ये उनका अपना अधिकार था। मछली वछली से लेकर सब कुछ उनका अपना अधिकार था। जब ये नदी पार करते हैं, कोई भी किसी भी समय आया नदी पार करवाते थे, उससे कोई पैसा वैसा ले नहीं सकते थे, नहीं लेते थे। हाँ, अगर एक बारात निकली है वो अगर कुछ दे दे तो ले लेगा, मगर जिस दिन वो नाव चला रहा है, उसका नंबर है, वो उसका व्यक्तिगत नहीं होता था, वो उनके समाज का माना जाता था, जिसको साल में एक बार वो लोग फिर बांट लेते थे, बंटवारा करते थे। इस तरह की छोटी छोटी पद्धतियाँ बहुत बना करके बड़े सुंदर ढंग से उनकी व्यवस्था बना लिए थे, क्योंकि मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते थे। व्यापार में क्या होता है कि व्यापार लाभ के लिए होना है, लोभ के लिए नहीं। इसलिए हमारे गांव में जो व्यापारी होता था छाती ठोक के लिखता था तिजोरी पे शुभ लाभ, इसमें रखा हुआ लाभ शुभ है, अशुभ लाभ नहीं है, लिखता था वहाँ पे, है ना, कि जो शुभ लाभ लिखता है ना, इसका मतलब इसमें जो लाभ है वो शुभ है, अशुभ नहीं है, है ना। तो वो तो छाती ठोक के लिखता था, लाभ के लिए व्यापार, लोभ के लिए नहीं। लाभ तो बहुत तरह का होता है। मैं एक मूर्ति बनाया तो उसके तीन खरीदार हो गए। एक तो उसको एंटिक मानता था, पुरानी जैसी चीज मानता था, एक मेरे से खरीद के किसी को बेचने वाला था, एक उसको अपना भगवान मानता था। अब मेरे को बड़ी समस्या थी कि मैं किसको दूँ, है ना। एक तो उसको बहुत कला के दृष्टिकोण से बड़ी तारीफ कर रहा था, वो 10 से 15-16 हज़ार देने के लिए तैयार था, और दूसरा 10-12 हज़ार देने के लिए तैयार था। अब ये था बेचारा, ये उसको भगवान मानता था, उसके सामने हाथ जोड़ के आखिर सोच सोच के मैं ये मूर्ति इसको दे दिया, और वो 116 रुपये रख के मूर्ति ले लिया, है ना। अब आज के हिसाब से तो मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि अपनी बनाई हुई चीज़ की कीमत लगाना नहीं आता है मुझे, तो मैं देखूँ मूर्ख हूँ। मगर हमारे हिसाब से, क्योंकि अगर मैं उसको देता तो मेरी गिनती किसी और पापियों में आती है ना, इसको देता हूँ तो मुझे पुण्य का लाभ मिलता है। तो हमारे पास तो संबंधों के लाभ को भी देखे, पुण्य के भी लाभ को देखे, ये कई तरह के लाभ को देखा जाता है। लोभ में ये सारे लाभ होते नहीं है, उसमें तो ये सब खत्म होते हैं, ये सब तरह के लाभ ना, ये सारी चीज़ें रही है। गांव की एक अपनी सुंदर व्यवस्थाएँ बना करके लोग, ये जंगल चार तरह के जंगल होते थे क्या, एक तो राजा का जंगल, एक देवताओं का जंगल, एक गांव का जंगल, और एक फिर आयुर्वेद के हिसाब से जंगल रखा जाता था। ये तो ये जंगलों की व्यवस्था बहुत कर रहे थे अपने से। राजा को अगर ज़्यादा लकड़ी चाहिए तो गांव वालों से इजाज़त लेके नहीं मिलता, या गांव के लोगों को चाहिए तो राजा की आज्ञा से उसके जंगल से ले लेते थे। मगर रखते अपना सब कुछ था अपनी पर्दी में। क्या था कि वहाँ उस समय की हमारी जो अर्थव्यवस्थाएँ पूरी बनी थी, कई तरह की अर्थव्यवस्था, एक तो बड़ी अर्थव्यवस्था ये थी कि हमारे लोग को शरीर को अपना, गांव को अपना शरीर मानते थे, गांव को तो अपना शरीर मानते हैं, पर शरीर में अलग अलग अंग है, हर चीज़ अलग है, कोई भी एक समान नहीं है, पाँचों उंगली भी एक समान नहीं है, पर जब भोजन करने लगेंगे तो ये पाँचों उंगली समान, काम अलग अलग रहेंगे, सब कुछ नाम अलग रहेगा, सब कुछ अलग रहेगा, मगर सबका आहार एक समान होगा। वो एक समान अर्थव्यवस्था को लोग खड़ी कर लिए थे कि आहार मात्र समान होगा, उसमें गड़बड़ नहीं हो सकती है। अब जैसे हम भोजन करते समय पांचों उंगली समान होती है, आहार मात्र समान सबका रख लिए थे, ये काफ़ी रहा है। मगर क्या था कि हिंदुस्तान में व्यक्तिगत कमाई को महत्व नहीं था, क्योंकि अध्यात्म के हिसाब से अहंकार नहीं होना चाहिए किसी को। अगर कोई अहंकार ही है तो आध्यात्मिक नहीं होगा, कोई अगर किसी का मजबूरी का फायदा उठा रहा है तो आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। तो अहंकार नहीं होना है, तो अहंकार होता क्यों है आदमी के अंदर, क्यों अहंकार होता है? ऋण का भाव अगर खत्म हो जाए तो अहंकार हो, या अपने आप को सर्वे सर्वा मान दे तो अहंकार हो, है ना। तो ऋण का भाव अगर खत्म होता है तो अहंकार हो जाएगा। तो उस समय धन से ऋणी तो कोई नहीं था, भाव से ऋणी हर एक था। इसलिए क्या हुआ
कि हमारे पास में व्यक्तिगत एक व्यक्ति की कमाई को महत्व नहीं दिया गया। आज जैसे व्यक्तिगत कमाई का महत्व है ना, हर आदमी अपनी कमाई कर रहा है, वो अहंकारी हो सकता है क्योंकि मैं कमा रहा हूँ और सबका पोषण कर रहा हूँ, बोल सकता है ऐसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ बोल सकता है। मगर हमारे पास ऐसा नहीं था, कोई भी कारीगर ये बात नहीं बोल सकता था कि मैं अकेला ही कमा रहा हूँ। वहाँ परिवार की कमाई थी, व्यक्ति की कमाई नहीं थी। आज व्यक्ति की कमाई है, परिवार की कमाई है। हमारी व्यवस्था में परिवार की कमाई को महत्व दिया गया था, व्यक्ति की कमाई, और व्यक्ति की कमाई अगर हो जाएगी तो पूरे समाज में अंतर हो जाएगा, संबंध रिश्ते खत्म होना चालू हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं। तो हमारे पास में परिवार की कमाई को महत्व दिया गया। तो इस तरह से तो ये बहुत कुछ है, क्योंकि मेरे पास में लोग आते हैं बहुत तरह तरह के, तो 5-6 दिन बैठ कर के बैठते हैं तो मैं सारी व्यवस्थाएं सुनाता हूँ कि कभी एक समय ऐसा चलता था हमारे पास में, ये सब बहुत है। तो ठीक है, मैं बस करता हूँ। आदरणीय कृष्ण गोपाल जी, गुरुजी श्री रविंद्र शर्मा जी और सभी मान्यवर महानुभाव उपस्थित भाइयों एवं बहनों, एक तो नाना जी के स्मृति में ये व्याख्यान माला है और रविंद्र शर्मा जी को हम सुनने आ रहे हैं, और वैसे ही कृष्ण गोपाल जी का पूरा अनुभव, पूरी जिंदगी इसमें लगाई है, तो दोनों का आशीर्वचन हमें चाहिए। नाना जी से यानी हमारे आयुष्य का एक भाग्य होता है कि नाना जी से सन्निध भी मिला और प्रेम भी मिला, और इसलिए पूना में भी वो आते थे, हम भी उनको कुछ भी पूछ सकते थे। आपात स्थिति के आंदोलन में जब जेल में थे तब एक बड़ा प्रसंग है, केवल 5 मिनट में मैं सारी बात करूंगा, लेकिन 18 जनवरी को इंदिरा जी ने उस समय घोषणा की कि हम राजनीतिक बंदियों को छोड़ेंगे और 20 मार्च को चुनाव करेंगे। उस समय 8 दिन सभी जेलों में, उस समय मोबाइल तो थे नहीं, और वैसे भी जेल में वैसे मोबाइल की अभी भी परमिशन नहीं है, लेकिन खुलेआम चलता है, लेकिन उस समय मोबाइल था ही नहीं, तो इसलिए कम्युनिकेशन विभिन्न मार्गों से हो रहा था। लेकिन 8 दिन बहुत ये थे, कम्युनिस्ट समाजवादी और बहुत सारे लोग कहते थे कि ये इंदिरा जी का ट्रैप है, 50 दिन में चुनाव करेंगे, हमें ना उम्मीदवार ना वाहन ना साधन ना दहन मिलेगा और हम हार जाएंगे। शी वॉन्ट्स टू लेजिटिमाइज हर इमरजेंसी रूल बाई दीज इलेक्शन। लेकिन उस समय नाना जी एक मुख्य भूमिका में थे और मुझे उसका पूरा वर्णन मालूम है कि किस तरह से उन्होंने, क्योंकि वो ये 50 दिन का अवसर हमें खोना नहीं चाहिए, लोकतंत्र में लोगों में विश्वास होना चाहिए, ये उनकी श्रद्धा थी, और इसलिए ये चुनाव हो। वैसे मोरारजी, जयप्रकाश जी, अटल जी, अडवाणी जी, नाना जी के, और नाना जी मुख्य उसके सूत्रधार एक तरह से थे कि सबको कम्युनिकेट भी कर रहे थे, तो वो मौका नहीं तो वो चूक सकते थे कि जैसे बांग्लादेश में या दूसरी जगह हम देखते हैं कि एक पूरी विरोधी दल बायकॉट करता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता, तो वो लोकतंत्र को फिर से नवीन जीवन देने के लिए चुनौती को स्वीकार करना, ये नाना जी ने जिस बखूबी किया और उसमें जो उनकी भूमिका थी, तो हम उसके साक्षी है। और मुझे लगता है यही नाना जी का सबसे बड़ा काम है कि नहीं तो चुनौतियों को वो लेते थे और चुनौतियों से संघर्ष करते हुए अपनी चीज को सिद्ध भी करने में वाकिफ थे। और बैक टू बैक जब इंडस्ट्री मिनिस्टर बने तो जैसे 1980 के आसपास पहले ही उनकी 60 आयु पूरी हुई तो उन्होंने पहले घोषित किया था, किसी ने पूछा नहीं था कि 60वें साल को राजनीति से यानी सत्ता की राजनीति से मैं बाहर आ जाऊंगा, और उन्होंने करके दिखाया। अब बाद में किसी ने फॉलो नहीं किया वो एक अलग कहानी, लेकिन फैक्ट रिमेंस कि ही वाज
एक ऐसे प्रतिभाशाली ऐसे आइडियोलॉग थे, मैंने एक दिन उनको पूछा कि नाना जी जनसंघ के पास ना सत्ता है ना कुछ, आप साधन कैसे इकट्ठा करते हैं? इतना पैसा हम भी लोगों के पास मांगने जाते हैं, 10,000 मांगते तो 1,000 रुपए देते, क्या करते आप? बोले मैं पैसा मांगता ही नहीं। और फिर उन्होंने मुझे रहस्य बताया, फिर मैंने उनके साथ बहुत दिन जब घूमता था तब भी मुझे वो मालूम है कि वो 200-300 औद्योगिक प्रतिष्ठित अच्छे घरानों के एक घर के फैमिली मेंबर थे, और इसलिए वो लोग उनको नाना जी को पूछते थे हर साल कि नाना जी इस साल आपको कितना लगने वाला है, क्योंकि नाना जी को तो कुछ नहीं लगता था, लगता तो था पार्टी को, लगता था काम को, लगता था। और ये अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, कितनी विश्वसनीयता, कितनी, ये उनका अजीब तरीके थे लेकिन बहुत सार्थक तरीके थे। और जब नाना जी ने तय किया ग्राम विकास का चित्रकूट का, तब चित्रकूट में, पहले गोंडा में और फिर चित्रकूट में, सभी जगह मैंने देखा, चित्रकूट में तो अंतिम समय में भी मैं बार बार मिला भी और बातें भी बहुत की। इसलिए जब मध्य प्रदेश का एक सांसद बना तो मुझे लगा कि नाना जी की कल्पना को एक साकार करके दिखाना है, तो आदर्श ग्राम योजना में उन्हीं के जो 500 गांव थे आसपास के, उसी में से किसी को लूं। और इसलिए मैंने पालदेव, एक बहुत चैलेंजिंग गांव है, तो भरत भाई और इन्होंने कहा, और फिर मैंने अजय भी है अभी और भाभी जी सब ने कहा, तो हमने वो स्वीकार किया। और मैं जा रहा हूं, मेरी मान्यता है, मैं तो देहात में पढ़ा वाला हूं, पहली से दसवीं तक मैं कुएं से ही पानी निकालकर पीता था, टमटमा में ही हमने अध्ययन किया है, जंगल में ही घूमे हैं, नदियों के, नदी और झरनों के बीच ही रहे हैं, तो मेरी तो पैदाइश शहरी थी लेकिन पढ़ाई वहां हुई, तो इसलिए मुझे वो भाग्य मिला। मैं हमेशा मानता हूं जो देहात में नहीं रहा वो सही भारत को पहचान ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक बहुत काबिल अंधो होता है, वो एक अलग जीवन है। अब इसमें जान फूंक दिया है तो क्या करे, हमारे भी सारे एमपी जा रहे, अलग अलग काम कर रहे, कोई कह रहे चलो फटाफट पैसा डाल के रोड की कंडीशन सुधारो, ये करो, वो बिल्डिंग गिराओ, नई बिल्डिंग बनाओ, ये नहीं है। लोगों का पुरुषार्थ हम जगाते हैं कि नहीं, ये मुद्दा है, ये नाना जी का सूत्र है। और मैंने केवल दो उदाहरण देता हूँ, उस बात को ग्राम देता हूँ। हमने कहा कि मैंने पहले ही दिन जाके गांव वालों को बताया कि देखो मैंने गोद लिया है, यानी आपने मुझे गोद लिया है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं आपके साथ काम करूंगा, आप दो कदम चलेंगे तो मैं तीन कदम चलूंगा, आप दो काम करेंगे तो मैं और एक काम करूंगा। और इसलिए हमने वहां के पहले, मैंने पहले दिन शिक्षकों को बुलाया, सारे चार प्राथमिक क्षेत्र है और एक उच्च माध्यमिक शिक्षा है, स्कूल है, तो उच्च माध्यमिक स्कूल के टीचर से बात कर रहा था। मैंने कहा कितना प्रतिशत रिजल्ट आया, उसने बड़े अभिमान से कहा 23% आया। मैंने कहा 23% आया, तो आप तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे 90% आया। तो फिर मैंने उनको अलग से भी मिला, शिक्षण अधिकारी वगैरह थे, सबके साथ बैठे, हमने विचार किया। मैंने कहा से दूर से आते हैं, 350 छात्र आते वहां, 15-15 किलोमीटर से आते हैं। तो मैंने टीचर्स को कहा देखो 15 किलोमीटर से बच्चे, अगर बच्चियां अगर साइकिल से आ रही है तो उनका अर्ज है, हम नहीं दे पा रहे, और हम नहीं दे पा रहे तो सुधार हमने होना है। अब हमने उसको टीचर्स एडिंग एड जमात, कोई थोड़े टीचर्स में बदलाव भी करेंगे, कुछ अच्छे संसाधन, उनका फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ले रहे हैं। आई थिंक दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एनी डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। और उसके साथ ये मई महीने में हमने फिर लक्ष्य रखा छात्रों का, अगले साल थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासिफिकेशन और ये करके भी एक एक का क्या क्षमता है क्या कमी है तो पूरी करेंगे, और वाइस चांसलर यहाँ बैठी है। तो हमने सब एक खाका बनाया कि नेक्स्ट ईयर 50%, उसके नेक्स्ट ईयर 75%, और 3 साल में रिजल्ट को हम 100% तक लाएंगे। मुझे लगता है ग्रामीण विकास की वही शुरुआत है, क्योंकि इफ यू डोंट एम्पावर देम थ्रू एजुकेशन,
एंड हेल्थ। अधिकारी ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं साहब आपने कहा था पानी का, देखो मैंने योजना तैयार की है 80 लाख की नल योजना तैयार की है, हर घर में नल का होगा। मैंने कहा मांगा किसने भाई, मांगा ही नहीं है, ये मांगी नहीं है, 26 हैंडपंप है। वो 26 हैंडपंप की क्वालिटी क्या है वो मैंने देखी, एकदम खराब है। तो उस खराब को अपने पीने के पानी में क्या रोज एक टिकिया डालेंगे, वही हम दे रहे केवल टिकिया देंगे और उनका कम से कम आरोग्य का पहला काम शुरू करेंगे, हेल्थ कैंप किया, शिक्षा और आरोग्य और फिर एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। आई थिंक दिस इज द बेस। लोगों को जागरूक करना है। एक बच्चा खड़ा हुआ, मैं जाता हूँ लोगों से बात करता हूँ, सभा करता नहीं, भाषण करता नहीं, लाउड स्पीकर लगाता नहीं, गांव में बैठकर बात करता हूँ। तो युवाओं को एक जन बोला मैं अभी ग्रेजुएट हो गया, मैंने कहा ग्रेजुएट कितने है, तो बोले अपने गाँव में सब 40 ग्रेजुएट है। बुलाओगे सबको, बुलाएंगे बोले, तो मैंने कहा बुलाओ सबको, अभी मैं जा रहा हूँ 9 तारीख को, वहां बुलाएंगे हम उनको। वही जो बोला वही हमारा गणित शिक्षक हो गया, तो उसी के से काम चलाएंगे। एक की तबीयत अच्छी थी, मैंने कहा क्या करते हो, तो बोले मैं घर में ही व्यायाम करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं अच्छी हम जिम बनाएंगे तो उसकी रक्षा और ठीक करोगे, सिखाओगे सबको, बोले सिखाऊंगा। तो यही काम है, ऐसे मैं अभी ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन जीवन के हर क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं को, महिलाओं को खासकर और किसानों को, हर एक क्षेत्र में हमने प्रोग्राम तैयार किए हैं जिसमें वो चलेंगे, वो लीड लेंगे, वो काम करेंगे, हम उनकी केवल उनके साथ 4 कदम चलेंगे, उसी से ग्राम विकास की धारा बनती है। यही मुझे लगता है स्वावलंबन से ग्राम विकास की कल्पना है और नाना जी की इसी कल्पना पर 2 कदम चलने का हमने काम किया है और करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर हम लोगों ने अभी व्याख्यान सुना है, मैं पहले भी गुरु जी को सुना हूँ और उनकी कुछ पुस्तकें भी मैंने थोड़ा पढ़ी, तो मेरे को ध्यान में है कि कितना वे मिट्टी से जुड़े हैं, कितना वे भारतीय परंपरा से जुड़े हैं और किस प्रकार से वे उसको जीते हैं। और एक अच्छी नई परंपरा यह बनी रहे और इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उन्होंने जो बोला अपने अनुभव से बोला, जो देखा वो बोला, परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी जो पाया है वो उन्होंने हमारे सामने परोसा है, उसकी गहराई को हम लोग समझ पाएंगे। हम ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो गांव से जुड़े हैं, गांव में कहीं ना कहीं पैदा हुए, गांव में बड़े, बाद में शहर में आए, वे तो गांव को बहुत अच्छे से जानते हैं। गुरु जी कह रहे थे तो उनके ध्यान में आ रहा होगा, लेकिन जो गांव में नहीं पले, नहीं बढ़े, गांव को अच्छे से नहीं देखे, नहीं समझे, उनके लिए ये बात कल्पना लोक की लगती है। सौभाग्य से मैं गांव में ही रहा हूं और निरंतरता से गांव में जाता रहता था और इस कारण से गांव के बारे में बहुत अच्छे से, निकटता से थोड़ा बहुत संबंध मेरा बना रहता था। गुरु जी ने जो बताया वो मेरी भी कल्पना में ऐसे जैसे सिनेमा चलता है वैसे आता है। हम छोटे थे तो गांव में बहुत प्रकार के कार्यक्रम होते थे, जैसे उदाहरण के लिए गांव में कुआं खोदता था, सारा गांव मिलकर कुआं खोदने में सहयोग करता था। गांव में पोखर साफ होता था, गांव का तालाब, सारा गांव महिला बच्चे पुरुष मिलकर के सारा पोखर का मिट्टी निकाल करके पोखर को गहरा करते थे और बरसात होने के 1 महीना पहले पोखर तैयार हो जाता था। गांव में किसी घर में छप्पर बनता था, अब यहाँ पता ना कितने छप्पर कैसा होता है, तो हम बच्चे सब मिलकर के छप्पर बनवाते थे, छप्पर एक साथ उठता था, बड़ा छप्पर होता था, बड़ा भारी हो जाता था, 40-50 लोग मिलकर के ऐसा सहारा लेकर के उठाते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे जो मजाक मजाक में अंदर छप्पर के अंदर जो बांस उससे लटक जाते थे वो उठता था, हमको मार के भगाया जाता था जो बच्चे सहायता नहीं करते, खेल खेल छप्पर जब चढ़ जाता था, कुआं जब खुद जाता था, पोखर जब बन जाता था, सबको गुड़ मिलता था, भाग बढ़ता था।
एक विचित्र प्रकार का, एक आनंद का एक सामूहिक भाव है गांव में, वो जैसे गुरु जी बता रहे हैं वो एक आध्यात्मिकता है, एक क्रिएट नहीं किया जा सकता, ये स्वयं उद्भूत है, स्वयं हजारों वर्षों के परंपरा से वो निर्माण हुआ है, कोई वर्ष दो वर्ष के अंदर निर्माण हो गया ऐसा नहीं है। क्योंकि गांव के अंदर का जो सच है वो आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता रहेगी तो मितव्ययता साथ रहेगी, मितव्ययता रहेगी तभी आध्यात्मिकता रहेगी, दोनों साथ साथ है, दोनों सगी बहने हैं, एक चली जाएगी तो दूसरी अपने आप चली जाएगी, और इसलिए गांव आध्यात्मिक थे, गांव मितव्ययी थे, और मितव्ययी थे इसलिए सबकी चिंता करते थे, कोई होड़ नहीं थी, आर्थिक प्रतिस्पर्धा नहीं थी, अपना काम चल गया ठीक है, संग्रह करने की असीमित प्रवृत्ति नहीं थी, और इसलिए स्वावलंबी थे। मैं 12 वर्ष पूरा आसाम क्षेत्र में गया तो वहां के गांव में जाता था, वहां का गांव अब भी कुछ मात्रा में बचा हुआ है, तो बड़ी सी जमीन पर बड़ा सा घर है, पीछे पोखर है उसमें मछली होती है, पीछे खेत है तो अच्छा धान हो जाता है, घर के अंदर ही सुपारी नारियल होता है, थोड़े से क्षेत्र में गन्ना होता है तो गुड़ हो जाता है, थोड़े क्षेत्र में दाल हो जाती है, छोटे से खेत में वो कपास होता है, घर की महिला बुनाई करती है, कपड़े बुन लेती है, और जो केले का वृक्ष है उस केले के वृक्ष के अंदर के भाग को जलाकर राख जो बन जाता है उसे नमक का काम लेता है, तो क्षार बनता है, किसी काम के लिए बाहर जाता ही नहीं, वही नारियल, वही सुपारी, वही जरूरत के मसाले, वही मिर्चा, वही अदरक, वही हल्दी, वही धान, वही दाल, वही मछली, वही कपास, वही सूत बनाया, और महिला ने बोला कोई जाना ही नहीं, कहीं भागवत का पाठ करना, ध्यान करना, जो अतिरिक्त हो गया उसके लिए जो को दान दे देना, लोगों की सहायता करना, मितव्ययी जीवन, आध्यात्मिक जीवन, स्वावलंबी जीवन। कभी कभी नमक के लिए या कोई विशेष प्रकार का बर्तन लेना है तो उसके लिए कोई एक आधा कोई दवाई आवश्यक है उसके लिए बाहर आते नहीं, कभी वर्षानुवर्ष 20-20 वर्ष हो जाता शहर में जाते नहीं, वहां क्या आते, और आनंद में भी है, लेकिन सारी इस पृथ्वी पर विज्ञान बढ़ रहा है, विज्ञान बढ़ रहा है तो विज्ञान उन्नति करता है, विज्ञान जो है नई नई शोध करता है, और विज्ञान की शोध का जो अंतिम लक्ष्य जो दिखाई देता है वो एक ही है कि मनुष्य के लिए अधिकतम सुविधाओं का अंबार इकट्ठा करना, वो उसका सबसे बड़ा एक पक्ष है, और इसलिए मनुष्य के लिए क्या क्या सुविधा की वस्तु होती है वो विज्ञान उत्पन्न करता है, उसकी डिमांड क्रिएट करता है और मनुष्य को उसके लिए प्रेरित करता है। आज से 300-400 वर्ष पहले यूके के अंदर 90% आबादी जो थी वो गांव में थी, 10% लोग शहर में थे, आज उल्टा हो गया, 3-4% गांव में रह गए, शहर में आ गए, ये प्रगति हुई और क्या वो भगवान जाने, लेकिन हो गया, लेकिन ऐसा होने के बाद सुखी हो गए क्या भगवान जाने, लेकिन ओ सुविधाओं का उन्होंने बहुत ढेर लगा दिया, क्यों, विज्ञान ने उन्नति की, चरखे का कपड़ा था वो पसंद नहीं आया, विज्ञान ने फटाफट मशीन लगाया, जल्दी जल्दी कपड़ा दिया, विज्ञान ने तरह तरह से सामान उपलब्ध कराया, मनुष्य ने इकट्ठा किया, संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ी, आध्यात्मिकता कम हुई, सहकार और सहयोग कम हुआ, और अपने लिए स्वार्थी जीवन होने के कारण से ढेर लगाने लगा, यह शहरीकरण और ग्राम का यह प्रतिद्वंदिता है, गांव मितव्ययी होता जाता है, शहर संग्रह करता है, शहर विलासी होता है, गांव आध्यात्मिक है, और इसलिए शहर आध्यात्मिकता से भी दूर जाता है धीरे धीरे, आत्म केंद्रित हो जाता है, आध्यात्मिक व्यक्ति भी आत्म केंद्रित होता है, लेकिन ये वो भिन्न पद्धति आत्म केंद्रित होता है, तो इसकी कहीं वो भूख मिटती नहीं, नेवर एंडिंग ग्रीड चलती बढ़ती रहती बढ़ती रहती, विज्ञान उसको विकल्प देता है, विज्ञान जो है उसको अनेक प्रकार के और सुविधाएं देता है, विज्ञान जो है उसके मन को ऐसा देता है कि अब इतनी चॉइस खड़ी कर देता है, आप देखिए ना, आप आइए, विज्ञान ने दिया,
और उसमें व्यक्ति धीरे धीरे भ्रमित होता है, फंसता है। आप मार्केट में जाइए, बाथरूम के टाइल्स लेना, अच्छा मैडम कौन से टाइल्स दिखाऊं, इटली का दिखाऊं, फ्रांस का दिखाऊं, अच्छा वो अच्छा कौन सा दिखाऊं, ये कलर का ये कलर, अच्छा ये इसमें कौन सा शेड दिखाऊं, अरे इतना परेशान हो जाती हो महिला टाइल्स देखते देखते, आज भी कल खरीदेंगे। पैंट खरीदने जाइए तो कौन सा बैगी चाहिए, एक टाइट चाहिए, बैगी चाहिए, कौन सा चाहिए, जिप वाला के बटन वाला, बटन में आगे बड़ा बटन वाला के इधर कलर ऐसा शेड के वैसा शेड, अच्छा वहाँ उसका अंदर उसका उसका अंदर, परेशान लौट आता है आज भी कल खरीदेंगे, मतलब लॉट ऑफ चॉइस देयर, इतनी ज्यादा आपके पास अब चॉइस है सेलेक्ट करने के लिए कि कोई डिसीजन ही नहीं हो पाता, कोई निर्णय नहीं है, अनिर्णय की स्थिति, विज्ञान ने क्या कर दिया, ये कर दिया, कोई एक सामान खरीदने तो जाइए आप, फिर देखिए ना इतने सारा वैरायटी, इसकी जरूरत अब सारा पश्चिम भी अब कंफ्यूज्ड है, इतने सारी वैरायटी लाके धर दिया, इसकी जरूरत सच में थी क्या और आगे भी है क्या, एक बड़ा भारी प्रश्नवाचक चिन्ह आज विश्व के बड़े बड़े समाज शास्त्री, बड़े बड़े अर्थशास्त्री और बड़े बड़े जो जो पॉलिटिकल थिंकर्स है उनके सामने खड़ा है, वैज्ञानिकों के सामने खड़ा हूं, हम कहां जा कहां रहे हैं, कौन सा टीवी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ये साइज का वो साइज का, थ्री डायमेंशनल का वो का, फोर डायमेंशनल आ जाएगा, हे भगवान इतना कंफ्यूजन कर देता है, अंत में वो कहते हैं आज नहीं खरीदते कल खरीदेंगे। ये जीवन के हर एक क्षेत्र में ये शहरीकरण है, इस शहरीकरण ने विज्ञान के साथ मिलकर के ऐसा समाज खड़ा कर दिया, एक तरफ तो आत्म केंद्रित हुआ, दूसरे इतने सुविधाओं से भरपूर होता चला जा रहा है कि भयंकर कंफ्यूजन में फंसता चला जा रहा है, भ्रम है, अंत कहां होगा भगवान। मैं बहुत से परिवारों में जाता हूँ, देखता हूँ कि बाथरूम में से भी अपना स्नान कर रहे, में से वो बाथ टब उखाड़ रहे, क्यों उखाड़ रहे, अरे नहीं भाई इसके लगाया क्यों था, अरे उसके यहाँ था उसके यहाँ था उसके यहाँ था, हमने भी लोगों ने फिर उखाड़ते क्यों, नहीं इसमें नहाने का ना समय है, इतना डालने के लिए शैम्पू भी घर में नहीं, इसलिए उखाड़ रहे, ये क्या है, ये कन्फ्यूजन है, कोठी बना लिया 15-16 कमरे बना लिया, रहता दो ही कमरे में, दो बच्चे तो एक चला गया जर्मनी, एक चला गया अमेरिका, आप कहाँ रहेगा, अरे भाई क्या बताए, झाड़ू लगाने वाला भी इस कोठी में तो बनाया था, जरूरत क्या थी, जरूरत थी नहीं, जरूरत तो नहीं थी भाई, क्यों बनाया था, अरे कभी कभी पार्टी होती थी इसलिए, अच्छा क्या ये कन्फ्यूजन है, और ये भौतिकवाद की आंधी है, सुनामी है जो आध्यात्मिकता को निगलने का प्रयत्न करती है, और बड़ी बड़ी सभ्यताओं को इसने बड़ी सरलता से निगल किया, निगल लिया है, और भारत पर अपना अंतिम प्रहार कर रही है, अब देखते हैं भारत इसमें फंसता है कि निकलता है, मुझको पूरा विश्वास है, मुझको कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन इसमें नहीं कि भारत का चक्र ऐसा चलता है, आप देखता है इधर से देखता चलता है, सबको देखता है, सबको अनुभव करता है, और फिर लौट करके अपने घर आ जाता है, क्योंकि इसकी जो अंतरात्मा है ये नहीं हिलती, ये पक्की है, क्योंकि अंतरात्मा इसकी अध्यात्म प्रेरित है, ये कहीं नहीं हिलेगी, ये हिल जाएगी तो हिल जाएगा, और इसलिए मैं देखता हूँ बड़े बड़े ऐसे लोग हैं कि जो अमेरिका में भी रह लिए, कनाडा में रह लिए, ऑस्ट्रेलिया रह लिए, पैसा भी बहुत कमाया, धीरे 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 फिर अपने वापस आ गए, नहीं भाई साहब यही ठीक है, छोटे घर ही ठीक है, माता पिता के साथ ही ठीक है, बंधुओं के साथ ठीक है, मित्रों के साथ ठीक है, और अपना गाँव कहाँ है उसको खोजने के लिए अब जाते हैं, मेरा गाँव कहाँ, अपने गांव में जाते हैं, ऐसे सैकड़ों लोग आज मिलते हैं, दिखते हैं अपने गांव में, वहां पर मकान ठीक कराएंगे, बच्चों का विद्यालय ठीक कराएंगे, छोटा डिस्पेंसरी है उसको ठीक कराएंगे, तालाब ठीक कराते हैं, वहां का मंदिर ठीक कराते, अपना गांव घूम करके आ गया, पूरा सर्किट पूरा, कहीं शांति नहीं मिली, शांति कहां मिलेगी, इसी परिवेश में आध्यात्मिकता, इसका कहने का बिल्कुल भाव ऐसा नहीं है कि हमारे गांव भौतिक वस्तुओं से दूर थे, ये नहीं है,
कई बार हम सुनते हैं कि हमारे देश में आज से 300, 400, 500 साल पहले जो वर्ल्ड जो इकोनॉमी थी उसमें 24% 25% शेयर हमारा था, वो किसका था भाई? आप सोचिए, कोई इंडस्ट्री तो थी नहीं ऐसी बड़ी, उद्योग धंधे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और बिजली मशीनें तो भाई है। तो इस देश के गांव का ही शेयर था वो, गांव के अंदर निर्मित वस्तुओं का व्यापार दुनिया भर में था, दुनिया भर में उसकी डिमांड थी। आज हमको आश्चर्य लगेगा, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, उससे कुछ लोग सहमत हो सकते हैं। जो पाश्चात्य जगत है, पूरा पश्चिम का जो क्षेत्र है, भूगोल है, वो बड़ा निष्ठुर है, प्रकृति निष्ठुर है। वर्ष में दो चार महीने काम के, बाकी महीने शीत। भूमि में भी 10-15% भूमि काम की, बाकी भूमि पहाड़ी पथरी कुछ होता है। पेट भरने के लिए भी मुसीबत, और इसलिए पूरा का पूरा गांव या तो कहीं छोटी जमीन पर मेहनत करता था, जब लूटने के लिए जाता था या आत्मरक्षा करता था, या दूसरा स्थान को ढूंढता था कहां जाएं, जीवन यापन करना कठिन था, प्रकृति निष्ठुर थी। और कोई जमीन अगर मिल गई तो वहां एक फसल करना, बाकी समय आराम करना, 8 महीना आराम। अब जिन दिनों 8 महीना आराम करता था व्यक्ति, उन दिनों में अपना अन्य काम करता था, मकान बनाना, खेती का कोई औजार बनाना, कपड़ा बनाना, कोई शिल्प है वो करता था, जो जो आवश्यकता के काम थे निपटाता था। 4 महीना खेती, बाकी 8 महीने में अपने खेती से मकान से जुड़े काम कर, वही आदमी सब काम करता था। यूरोप में वही आदमी खेती, वही आदमी काम करता था। 700, 800, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 वर्ष पहले का किस्सा। भारत में ऐसा नहीं था, भारत थोड़ा भिन्नता थी। भारत में 12 महीने खेती, जब 12 महीने खेती यहाँ हो सकती है, ऐसी सुंदर भूमि, ऐसी सुंदर जलवायु यहाँ भगवान ने, ईश्वर ने दी है, तो हर गांव के अंदर खेती तो 12 महीने होती है, 12 महीने पशु है, 12 महीने दूध मिलता है। ये वो आदमी जो खेती करता है वो हल नहीं बनाएगा, हल बनाने के लिए दूसरा आदमी डेवलप करना पड़ता है। वो आदमी मकान नहीं बनाएगा, मकान के लिए दूसरा आदमी विकसित करता है। वो आदमी तेल नहीं निकालेगा, तेल निकालने के लिए दूसरा करता है। और इस कारण से 12 महीने काम होने के कारण से इस गांव के अंदर अलग अलग बात के लिए अलग अलग व्यक्ति विकसित हुए। लोहार हुआ, कुम्हार हुआ, बढ़ई हुआ, स्वर्णकार हुआ, वित्तीकार हुआ, ये अलग अलग आवश्यकता। वो किसान आ रहा है, अभी हल चलाते चलाते हल टूट गया, तुरंत आता है, ए भैया हल बना, एक दिन में दो दिन में हल बना, ए भाई बैलगाड़ी बना, ए भाई चलो हमारा मकान बनाओ, हम खेती कर रहे हैं तो ये काम करो। और इसलिए जो टैलेंट है ये भिन्न भिन्न प्रकार से विकसित हुआ। इस देश में जो बुनकर है, मूर्तिकार है, कलाकार है, चित्रकार है, कुंभकार है, रथकार है, बड़े है, कपड़ा बुनने वाला है, इनका विकास हुआ, क्योंकि इनको यही काम करना, इनका स्पेशलाइजेशन हो गया, इनकी क्षमता, इनकी गुणवत्ता बढ़ती चली गई। सारे विश्व में भारत के ही बुनकर, भारत के ही मूर्तिकार, यहीं के कुम्हार, यहाँ के बड़े, यहाँ के रथकार, ये अलग अलग विकसित हुए, विश्व में नहीं हुआ। और इसलिए भारत में ये जो कलाकार थे, भिन्न भिन्न गुरुजी ने बताया, वे श्रमजीवी थे, भिन्न भिन्न प्रकार के विधाओं के एक्सपर्ट थे, ऐसा सामान बनाते थे वर्ल्ड मार्केट में उसकी कीमत थी, दुनिया भर में उसका मूल्य लगता था। और इसलिए जो बासम लिखता है भारत के बारे में, भारत से वस्तुएं दुनिया के मार्केट में जाती थी और भारत को खरीदने के लिए कुछ भी नहीं था, भारत को किसी भी चीज की आवश्यकता वर्ल्ड मार्केट से परचेज करने की नहीं थी। और इसलिए दुनिया भर का स्वर्ण, दुनिया भर का चांदी भारत में आता था, भारत से सामान जाता था। और इसलिए 24% जो शेयर हमारे वर्ल्ड इकोनॉमी में था, इस कारण से बड़ा भारी व्यापार करके हम कपड़ा, मूर्ति, स्वर्ण के आभूषण ये दुनिया भर के मार्केट में बना बना करके भेजते थे, इस कारण से, क्योंकि गांव के अंदर व्यवस्था इतनी मजबूत थी, उस गांव के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के कलाओं में निष्णात जो
वो टैलेंटेड लोग थे, क्षमतावान गुणवान लोग थे, ये विकसित हो रहे थे। अंग्रेजों ने और बाकी संघर्ष के काल में गांव की स्वावलंबी विकसित आध्यात्मिक सहकारी व्यवस्था को नष्ट करने का बहुत प्रयत्न किया, और जितना प्रतिभात्म 200-250 वर्षों में हुआ वो ज्यादा हुआ। वो समझते थे कि भारत की असली ताकत क्या है, और इसलिए गांव की पंचायत सर्वसम्मति से चुने गए पंच गांव के झगड़े गांव में निबट जाते थे। पुलिस की जरूरत ही नहीं थी, इन्होंने पुलिस बैठा दी, झगड़े शुरू कराए, पंचायत को नष्ट। धर्मपाल जी लिखते हैं, लाखों विद्यालय थे, हर जाति के अध्यापक थे, हर जाति के बच्चे पढ़ते थे। ये तो हमें इंग्लैंड के वहां के जो अभिलेखागार हैं उनमें लिखा हुआ रखा है भारत के बारे में। अनेक प्रांतों का वर्णन धर्मपाल जी ने किया है। उन लाखों विद्यालयों में देश भर में जो अध्यापक थे प्रत्येक जाति के थे, बच्चे प्रत्येक जाति के थे, गांव गांव में शिक्षा थी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ये शिक्षा नहीं चलेगी, ये शिक्षा वाले निरक्षर माने जाएंगे, और निरक्षर घोषित कर दिए गए। पूरा का पूरा देश जो शिक्षित था वो निरक्षर घोषित हो गया। अर्थात कैसी स्वावलंबी व्यवस्था, कैसी जो ऐसी व्यवस्था जो भौतिक वस्तुओं का उत्पादन भी करती थी लेकिन आध्यात्मिक जीवन जीती थी, और इसे आनंद था। ऐसी कोई भौतिकवाद की दौड़ नहीं थी। तो गुरु जी ने बताया अधिक हो गया तो गरीबों को दो, अधिक हो गया तो मंदिर को दे दो, और अधिक हो गया तो धर्मशाला बनवाओ, और ज्यादा हो गया तो अतिथियों को दो, रास्ता चलते को खिलाओ पिलाओ। दुनिया में कहीं ऐसी चैरिटी नहीं होती जो भारत में होती है। रास्ता चलते को पानी पिलाना, रास्ता चलते को भोजन कराना, अन्न क्षेत्र खोलना, धर्मशालाएं बनवाना, और तो जानवरों के लिए पीने के लिए प्याऊ लगाना, जानवरों के लिए भी बड़े बड़े टैंक बनवाते, जानवर क्यों पैसा नहीं। ये जो भाव है आध्यात्मिकता में से है, कैसे भाव स्थिर रहे, कैसे भाव जो है पुनर्जीवित हो, लेकिन गांव के जो वर्तमान की स्थिति है उसमें हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, द्वंद तो हो सकता है, लेकिन गांव थोड़े थोड़े उखड़ रहे और तेजी से उखड़ रहे। उनको लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, और उनको सच्चाई भी है, जो विकास की किरण जो आज आई, आज उनको लगता है जरूरत भी है और नहीं है, इसलिए भागता है। जो शहर भागता है तो घर को छोड़ता है, परिवार को छोड़ता है, अपनी परंपरा को छोड़ता है, अपने मेले को छोड़ता है, और जब शहर में आकर के झोपड़पट्टी में रहता है बेचारा, तो काय की संस्कृति, काय का समाज, कौन सा विचार, कौन सी आत्मीयता, सबको छोड़कर भुला करके बेचारा रोजी रोटी के लिए बंबई दिल्ली कलकत्ता के फुटपाथ पर स्लम्स में आ जाता है, गांव वहां से उखड़ करके यहां आ जाता है। प्रश्न यही है कैसे वे गांव स्वावलंबी फिर से बन जाए। आर्थिक दौड़ जो है, चकाचौंध जो है, जो सुनामी चल रही है, इससे कैसे बच जाए, ये काम कठिन जरूर है, लेकिन नाना जी ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जो प्रयास किए उन प्रयासों के सुपरिणाम निकले हैं। गांव की छोटी सी उन्नति भी दिखी है, गांव का स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ है, गांव में रोजगार के साधन उपलब्ध हुए, गांव के बच्चे अच्छे पढ़े लिखे बन रहे, गांव वहीं के वहीं कुछ न कुछ स्थिर रूप से करने का मन बना है, और गांव का पलायन भी थोड़ा सा रुका है। नाना जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, एक सैंपल दिया है, नहीं हो सकता उस बात को नकार दिया है, हो सकता है इसको स्थापित करके दिखाया है, और इसलिए हमको विश्वास है धीरे धीरे ही क्यों न हो फिर से अपने को ऐसी व्यवस्था को ढूंढना पड़ेगा, कम से कम गांव में वर्तमान में जो उनकी मौलिक न्यूनतम आवश्यकता है वे पूरी हो, गांव ऐसा मुंह ताकते न रह जाए, कोई आध्यात्मिकता से बात नहीं बनेगी, बच्चे की बीमारी का और शिक्षा का कोई ना कोई समाधान करना पड़ेगा, और जब उसको लगता है कि आप कुछ नहीं तो भागता है, और इसलिए गांव न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करें और वहां पर रहने वाला जीवन शांति से आनंद देने वाला सहकारी जीवन फिर से खड़ा हो। मैं समझता हूँ आज की इस गोष्ठी का यह प्रमुख भाग है। मैं सबको विनम्रता पूर्वक प्रणाम करता हूँ, गुरु जी आए उनको भी सब प्रकार से धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार।